મદદનીશ નિયામક રોજગારની કચેરી સુરત અને મોડેલ કેરિયર સેન્ટર સુરત તરફથી પોલીસ મુખ્યમથક ગલુડી સુરત ગ્રામ્ય ખાતે નિવાસી તાલીમ વર્ગ પૂર્વ સંરક્ષણ નિવાસી તાલીમ વર્ગ પૂર્વ પસંદગી પ્રક્રિયા સુરત ગ્રામ્ય જિલ્લા પોલીસ મુખ્યમથક હેડક્વાર્ટરના ગલુડી ખાતેના ગ્રાઉન્ડ ખાતે રાખવામાં તારીખ 29/5/2019 રોજ રાખવામાં આવેલ છે, જેમાં અંદાજે 500-600 ઉમેદવાર હાજર રહેલ. Thank you.
मीडिया डिजिटल चैनल में मैं आप सभी का स्वागत करती हूं और आज हम यहां पे उपस्थित है स्वामी विवेकानंद संरक्षण भर्ती पूर्व परीक्षा निवासी तालीम वर्ग जो कामरेज गरुड़ी धाम में है पुलिस परेड ग्राउंड में। यहां पे जो 12th में बच्चों ने जो पास किया है और आर्मी में जाना चाहते हैं तो उनके लिए यहाँ पे सरकार के द्वारा स्पेशल ट्रेनिंग दी जाती है। तो हम यहाँ पे जो ट्रेनिंग ले रहे हैं बच्चे उनसे हम बात करेंगे। आपका नाम सर? मेरा नाम है मढ़िया राजेश बाबू भाई है और मैं इधर पहली तारीख से कैंप में आया हूँ। मैं इसके कितने महीने से मैं राह देख रहा था ये सब कैंप आए तो मैं अपना सपना साकार कर सकूं और इंडियन आर्मी में ज्वाइन कर सकूं। जी आप सूरत से ही है? यस मैम मैं सूरत से हूँ। आपके परिवार में जो है उन लोगों को ये मंजूर है कि आप आर्मी में जाएं? हाँ मैम मेरे पापा पहले से कह रहे हैं कि मेरे तीन बेटे में से एक बंदा है कि आर्मी में जाना ही चाहिए। जी मतलब आपने जो सपना देखा था वो आप पूरा करने अभी जा रहे हो। हाँ, तो आपका मोटिव क्या है, मतलब आर्मी में जाके आप क्या करोगे? मेरा मोटिव ये था कि मैं मेरे तीनों भाई में से कोई अभी आर्मी में है नहीं तो मैं अभी मेरा पापा का सपना है कि मेरा एक बंदा है कि आर्मी में होने चाहिए और मैं आर्मी में जाके देश की सेवा करना चाहता हूँ और एक बड़े आदमी बनना चाहता हूँ कि कोई कुछ भी देश के लिए कुछ भी करने को तैयार हो जाते हैं हम। जी
यहाँ पे ट्रेनिंग चल रही है, ट्रेनिंग होने वाली है, वो आपको कैसे पता चला? मैंने रोजगार कचहरी में गया था, मैं बहुमाड़ी इधर, तो मैं कॉलेज में एनसीसी के तालीम केंद्र में था, तब सर ने मुझे बताया कि ऐसे रोजगारी कचहरी में आर्मी पूर्व भर्ती का एक आयोजन किया गया है कैंप का, तो वहाँ से मुझे मालूम पड़ा कि नहीं, ये मौका गुमाना नहीं चाहिए, इसको बस करना ही चाहिए, कैंप तो करना ही है। आर्मी में हम जाना चाहते हैं, हमारे देश के लिए क्या कहना चाहोगे? हमारे देश के लिए तो नरेंद्र मोदी जी अभी चुटनी गई है इलेक्शन की, तो उस चुटनी में बस यही मुझे विश्वास था कि नरेंद्र मोदी ही जीतेंगे, और इंडियन आर्मी में जाने के लिए हम सब तैयार रहते थे। मैं कितने महीनों से मैं इसकी राह देख रहा था कि ऐसा कुछ कैंप आए तो मैं अपने देश के लिए कुछ कर सकूं और देश को कुछ बताना चाहता हूं और देश की रक्षा कर सकूं। जी दर्शक मित्र, यहां पे जो ट्रेनिंग दी जाती है 30 डेज की ट्रेनिंग है, और ये जो आप देख रहे हैं यहां पे ट्रेनिंग करने वाले जो स्टूडेंट्स हैं जो अभी से आर्मी में जाना चाहते हैं, इतने जवान अपने देश को जरूरत है, तो हम दूसरे जो ट्रेनर है उनसे हम बात करना चाहेंगे। आपका नाम? दर्शन। मेरा नाम है दर्शन लड़िया। आप यहाँ पे कैसे आए? मैं इधर रोजगार कचहरी में से मेरे जान हुआ था कि इधर एक महीने के लिए आर्मी ट्रेनिंग शुरू होने वाली है, इसलिए इधर पहले 30 तारीख को इधर इसका ग्राउंड है 800 मीटर का पास किया ग्राउंड, हमने इधर 31 तारीख को 5 बजे इधर आया। यहाँ पे मेरे ख्याल से आज 5वां 6ठा दिन हो चुका है, तो ये 6 दिन की जो ट्रेनिंग आपको दी गई उसमें आपको कैसा लगा? इस 6 दिन ट्रेनिंग में हमको बहुत अच्छा लगा, हमको बहुत मज़ा आ रहा है, अच्छे से ट्रेनिंग करवा रहे हैं, खूब बहुत अच्छी ट्रेनिंग है, खाना भी अच्छा आ रहा है, सुविधा भी अच्छी है, बहुत खूबसूरत। आपके परिवार? मेरे परिवार में मेरा भाई छोटा है, मेरे पापा और मेरे मम्मी। आप सूरत से ही हो? हाँ, मैं सूरत से ही हूँ। आपके परिवार से परमिशन फुल है? हाँ, मेरे परिवार से परमिशन है, मेरे पापा ने कहा है कि तुम आर्मी में ही जा। बहुत ही बढ़िया, आपको बहुत बहुत शुभेच्छा। अब हम दूसरे जो हमारे ट्रेनर है उनसे हम मिलना चाहेंगे। आपका नाम? जय हिंद, मैं ब्रिजेश काछड़िया। जी आप यहाँ पे ट्रेनिंग में कैसे आए? मैं एनसीसी में सीनियर अंडर ऑफिसर हूँ जी, तो मेरे कर्नल के द्वारा मुझे, मेरे कर्नल सर थे उसके द्वारा मुझे बात मिली कि ऐसा कोई तालीम हो रहा है गुजरात गवर्नमेंट के द्वारा, तो मैं यहाँ पे रोजगार कचहरी का संपर्क किया, उसके बाद मैं तालीम में आ सका। जी अभी 6 दिन की आप तालीम ले रहे हो, तो उसमें आपको कैसा लग रहा है? अभी तो मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं अभी आर्मी की ट्रेनिंग ही कर रहा हूँ, ऐसी मुझे महसूस हो रहा है। जी मतलब यहाँ पे जो ट्रेनर है जो आर्मी की ट्रेनिंग लेते हैं वो आपको कैसे लग रहे हैं, मतलब अच्छी तरह से ट्रेनिंग देते हैं क्या? हाँ, बहुत अच्छी दे रहा है, हमें ऐसा कभी नहीं लगा कि हमें आर्मी से दूर रहना चाहिए, वो हमें जब डाउन होते हैं तो फुली मोटिवेट करते हैं हमें कि आप कर सकते हो कुछ, आपके लिए कुछ नामुमकिन नहीं, आप सब कुछ करते हो। मैं यहाँ पे आया तब मेरे 6 राउंड ही लगते थे, ग्राउंड है ना बड़ा इसका, तो अभी मैं 10 राउंड लगा सकता हूँ। कितने घंटे का ट्रेनिंग होता है यहाँ पे? सुबह 2 घंटे और शाम को 2 घंटे। और ये सरकार की तरफ से पूरा आयोजन है, मेरे ख्याल से सरकार ही पूरी, मतलब जो आना आपका रहना यहाँ की सब सुविधाएं सब सरकार की तरफ से होती है, तो उसके लिए आप क्या कहना चाहोगे? सबसे अच्छी सरकार है तो भाजपा सरकार है। मैं कभी राजनीति में नहीं मानता हूँ, लेकिन अभी ये सब देखने के बाद मुझे ऐसा बोलना पड़ता है, क्योंकि जो संरक्षण के पास इतनी ताकत होनी चाहिए, उसके पास पावर है, उसका उपयोग करो, और इसका उपयोग करना सिर्फ भाजपा सरकार ही मानती है। जी आप क्या संदेश देना चाहोगे हमारे जो, आप तो ट्रेनिंग ले ही रहे हैं, लेकिन हमारे जो दूसरे ऐसे जो 12th पढ़ाई करके आगे बढ़ चुके हैं और उनको आर्मी में जाना है, तो वो यहाँ तक कैसे आए और कैसे वो लोग ट्रेनिंग लेंगे, वो तो आप हमारे उसके लिए संदेश दे दीजिए। 12वीं धोरण के बाद रोजगार कचहरी में सबका नियम है कि अपना नोंदनी करवाए, तो नोंदनी करवा दे उसको हर बात की नोटिफिकेशन मिलती रहती है कि इसके बाद कौन सा कार्यक्रम आ रहा है, क्या क्या प्रोग्राम होने वाले हैं, उसकी नोटिफिकेशन मिलती रहती है, तो बच्चों को ऐसा फैमिली को माँ बाप को उतना बच्चों के साथ
कॉन्टेक्ट करना चाहिए कि आप बच्चों को भेजना चाहिए, आप रोजगार कचहरी जाओ और वहाँ पे नोंदनी करो अपना। देखिए अभी के माँ बाप ऐसा सोचते हैं कि मेरा बेटा मेरी जॉब ही करेगा, लेकिन वो कार्य अभी निकालना है हमें, मानसिकता हमें बदलनी है। बहुत ही अच्छी बात इन्होंने कही, क्योंकि आजकल जो माहौल चल रहा है, बच्चों को जहाँ पे जाना चाहिए वहाँ पे अपने पेरेंट्स भेजते नहीं है और कुछ अलग ही करवाते हैं। लेकिन पहले मैं हर पेरेंट्स को ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि अगर आपके बच्चे में जो इंटरेस्ट है वो ही उसको करवाइए। जैसे आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं, हमारे देश को जवानों की बहुत ज़रूरत है, तो ऐसे यंग जवान जो लड़के हैं वो ऐसे आर्मी की ट्रेनिंग ले रहे हैं और यहाँ पे आप उनका जो खुशी देख रहे हैं उनके चेहरे पे, उसे ही पता चलता है कि आर्मी में जाके वो लोग और भी बढ़िया काम करेंगे। अभी के जवान तो कर ही रहे हैं, लेकिन आज के जनरेशन बहुत ही अच्छा काम करेंगे, ऐसा मुझे भी विश्वास है। तो अभी हम दूसरे ट्रेनर से बात करेंगे। आपका नाम? जय हिंद मैम, मेरा नाम गौर रंजन है, मैं NCC का सीनियर अंडर ऑफिसर रह चुका हूँ। और जैसे कि यहाँ पे अपना सूरत तालीम जो ऑफिस है, यहाँ से अपना हर एक NCC बटालियन में इसका मैसेज गया और यूनिवर्सिटी में भी ये SMS सेंड किया गया, वहाँ से फिर अपने NOs को मिले और NOs ने हम लोग SMS भेजा, तो हम लोग ने जैसे जो हमारे पास है कॉलेज है, सब कॉलेज पास भी कर चुके हैं या फिर अभी पढ़ रहे हैं, वो सबको फिर जो अपना सूरत का ऑफिस है वहाँ पे जाके अपना रजिस्ट्रेशन करना पड़ा। फिर यहाँ पे 29 तारीख को इसका भर्ती थी, जो 800 मीटर का ग्राउंड था उसको पास करने के बाद फिर मेडिकल हुआ। मेडिकल होने के बाद हम लोग को पूरा तैयारी के साथ 31 तारीख को शाम को यहाँ पे रिपोर्ट डेटिंग था, तो रिपोर्ट होने के बाद 1 तारीख से अपना ट्रेनिंग शुरू हुआ। और ये ट्रेनिंग एक ऐसी हिस्सा है जो आर्मी से कोई अलग नहीं कर सकता, यानी जिसे आर्मी में होता है उसी तरह टाइम टेबल शेड्यूल गवर्नमेंट ने जो दिया है, टाइम टेबल शेड्यूल उसी हिसाब से चल रहे हैं। सुबह 2 घंटा PT टाइम होती है, फिर 10 से 5 बजे तक बीच में 1 घंटे का लंच होता है, बाद में फिर से 6 से 7:30-8 बजे तक अपना फिर से रोल कॉल परेड के साथ अपना पूरा रनिंग फिर से फिजिकल होता है। यानी एक युवा को जितनी तैयारी मिलनी चाहिए ये पूरा गवर्नमेंट ये सुविधा हमको प्रोवाइड करती है। बहुत ही बढ़िया, मतलब ये आर्मी की ट्रेनिंग लेने के बाद आर्मी में वो लोग जहाँ जाए वहाँ तक की सुविधा ये रोजगार कचहरी द्वारा हमें की जाती है। और हम दूसरे ट्रेनर से बात करेंगे। जी सर, मैं हर एक पेरेंट्स को ये बोलना चाहूँगा, जो पेरेंट्स ये बोलते हैं कि मेरा बेटा को फौज में नहीं जाना चाहिए, फौज एक जॉब नहीं है जी, वो एक सेवा है। फौज में जो है वो कभी कोई नौकरी नहीं करता, वो बस एक सेवा देते हैं। और उसके लिए हर एक पेरेंट्स को, अपने अगर 2 लड़के हैं तो दोनों में से किसी एक को या फिर दो हो सके तो दोनों को गर्व के साथ आर्मी में ज्वाइन करने की प्रशिक्षण देनी चाहिए। और उनको स्टार्टिंग से ही, जैसे 5वीं 6ठी क्लास पास हो जाने के बाद, उनको स्टार्टिंग से ही फिजिकली मेंटली प्रेशर दीजिए और उनको शिक्षण के, जैसे कि कोई एकेडमी है या फिर आर्मी मिलिट्री स्कूल से, तो उसमें ज्वाइन कीजिए, ताकि हमारे इंडियन का ये गर्व की बात होती है कि, और हर एक पेरेंट्स को गर्व से बोलना चाहिए कि मेरा बेटा आर्मी में है। बहुत ही बढ़िया आपकी ये विषय से सभी लोगों को बहुत बहुत अच्छी प्रेरणा भी मिलेगी और प्रोत्साहन भी मिलेगा। अब हम बात कर रहे हैं दूसरे ट्रेनर से। आपका नाम? जय हिंद जय भारत, मेरा नाम शर्मा राकेश जी। आप सूरत से हैं? हाँ मैम, मैं सूरत से। आप यहाँ तक कैसे पहुँचे ये ट्रेनिंग तक? हमारे ग्रुप में NCC में मैसेज आया था कि बहुमाली में तालीम से आर्मी का कोई आयोजन किया गया है, तो आप सभी कैडेट अपने तालीम का आयोजन करें कि आर्मी का उद्देश्य पूरा हो सके। आपको कैसा लग रहा है आज के दिन की अभी ट्रेनिंग हो चुकी है, आपको कैसा लग रहा है? मैं 28 तारीख को हमारा सिलेक्शन था, जिससे 800 मीटर की दौड़ मैंने पूरी की और फिर मेडिकल फिजिकल सब मैंने पास किया। फिर 1 तारीख को मैं फिर पूरे सामान के साथ यहाँ पर आया। आज 1 से 6 दिन पूरे हो चुके हैं, तो मेरे को आज ऐसा फीलिंग्स हो रहा है कि मैं सही में आज आर्मी का जवान बन के यहाँ से मिलने के बाद मैं मेरे पापा को यही कहना चाहता हूँ, पापा में आने 10 तारीख को उपनगर में मेरा एक ही
जोश हर सर हाउ द जोश हर सर हाउ द जोश हर सर जय हिंद जय हिंद जय हिंद जय हिंद जय हिंद जय हिंद। यहाँ पे जो आर्मी की ट्रेनिंग अभी हमने देखी, जो ट्रेनिंग कौन करवाता है उसको भी हम देखते हैं, उनसे उनको भी हम मिलते हैं। तो सबसे पहले हम मिलेंगे सर, आपका नाम? गीतार जोश। बेसिकली मैम, इनको पहले प्री स्ट्रेच का ट्रेनिंग का मेरा डिपार्टमेंट है, क्योंकि किसी भी फिजिकल एक्टिविटी के लिए स्ट्रेचिंग बहुत ज़रूरी है। आप किसी भी फिजिकल एक्टिविटी को करो तो सबसे पहले बॉडी के जो भी मसल्स है उसको एक्टिव करना रहता है, क्योंकि पूरे दिन हम रेस्ट पे होते हैं, हमारे मसल्स भी एक्टिव हो जाते हैं, तो इंजरी ना आए। और स्पेसिफिक ये है कि आर्मी की ट्रेनिंग है, तो आर्मी की ट्रेनिंग सबको पता ही है, बहुत हार्ड इंटेंसिटी होती है इनकी, तो उनको प्री स्ट्रेच का हम पहले करो ताकि वो इंजर ना हो। देन आफ्टर देन मेन डिपार्टमेंट हमारे जो मेन ट्रेनर्स है वो संभालते हैं। बहुत ही अच्छा। अभी हम दूसरे ट्रेनर से बात करते हैं। सर, आपका नाम? राजेश कुमार जी। आप कौन सी ट्रेनिंग कैसे करवाते हो यहाँ? मैं मेन बच्चों को पूरा ग्राउंड का ट्रेनिंग देता हूँ, नॉर्मल रनिंग है या फिर उसके बाद स्प्रिंट है, जो लॉन्ग जंप है, हाई जंप है, उसके बाद है जिग जैग, वो सब मैं करवाता हूँ। मेरा नाम गणेश भाई चौधरी है, मैं गुजरात का किया हुआ है, और अभी जो पुलिस और SRPF के जो जवान होते हैं उसको ट्रेनिंग दे रहा हूँ, और जिले के अंदर अभी फर्स्ट ADI हूँ, ADI का मिलेगा असिस्टेंट ड्रिल इंस्ट्रक्टर। अभी जो मैदान के अंदर कोई भी यानी बेसिक तालीम, फिजिकल ट्रेनिंग सब कुछ देता हूँ, और पुलिस को तैयार करता हूँ। मेरा नाम विजय बल्दानिया। आप यहाँ पे क्या ट्रेनिंग करवाते हैं? मैं बच्चों को आफ्टर रनिंग, जैसे सर ने बोला कि आफ्टर रनिंग के बाद मैं बच्चों को पोस्ट स्ट्रेचिंग करवाता हूँ। अगर रनिंग कंप्लीट कर ली, सारी एक्सरसाइज कंप्लीट कर ली, लेकिन उसके बाद अगर मैम स्ट्रेचिंग ना हुए तो पूरे पैर भर जाते हैं, हाथ का पेन होने लगता है और पूरी बॉडी रिलैक्स नहीं होती है, तो एक्सरसाइज के बाद मैम स्ट्रेचिंग भी बहुत जरूरी है, तो मैं वो सेशन में हैंडल करता हूँ। बहुत ही बढ़िया। यहाँ पे जो ट्रेनिंग आपने देखी और यहाँ पे जो ट्रेनिंग जो दे रहे हैं हम मिले, और अभी हम मिलने जाएंगे जो यहाँ पे सबसे पहले मतलब जो महत्व के काम जो कर रहे हैं, सूरत रोजगार कचेरी, जो यहाँ पे ऐसी आर्मी के लिए ट्रेनिंग के लिए बच्चों को लाते हैं, यहाँ से आर्मी में भेजते हैं। ट्रेनिंग का जो काम है वो बहुत ही बड़ा होता है, और इतना बड़ा काम जो कर रहे हैं उनसे हम क्यों नहीं मिलेंगे। तो मिलते हैं हम बसावा जी से। बसावा जी, आपका स्वागत करती हूँ हमारे चैनल में, और ये इतना अच्छा काम कर रहे हैं, मुझे भी काम भी बहुत ही अच्छा लगा। तो बताइए कि ये पूरा प्रोसेस कैसे होता है और कैसे आप ये सब मतलब डिसाइड कैसे करते हैं, और जो आर्मी में जाना चाहता है उसको आप सिलेक्ट कैसे करते हैं? पहले तो हम लोग हमारे रोजगार दफ्तर में जिसका पंजीकृत हुआ है, ऐसे कैंडिडेट ओवर के हिसाब से हम लोग और क्वालिफिकेशन के हिसाब से हम लोग इनको पहले इनवाइट करते हैं, और उनका फिजिकल जो मेजरमेंट है उसके मुताबिक हम लोग का सिलेक्शन करते हैं। ये प्राइमरी सिलेक्शन की जो प्रक्रिया है वो खत्म हो जाने के बाद जो कैंडिडेट सिलेक्ट होते हैं, इस कैंडिडेट को हम लोग विलिंगनेस के साथ, मेडिकल के साथ हम लोग इनको यहाँ 30 दिन के लिए हम लोग यहाँ इन्वाइट करते हैं, और 30 दिन की निवासी जिसे कहते हैं रेजिडेंशियल ट्रेनिंग हम लोग उनको प्रोवाइड करते हैं। ये ट्रेनिंग जो है रोजगार एवं तालीम दफ्तर की जो गांधीनगर है इनके द्वारा स्पॉन्सर्ड है, और ये कैंडिडेट को हम लोग फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पे तालीम दी जाती है। 30 दिन की तालीम है, लेकिन पूरा प्रोग्राम 45 डेज का है। पहले जो 30 दिन है उस 30 दिन में हम लोग कैंडिडेट को फिजिकल ट्रेनिंग एवं रिटर्न टेस्ट की ट्रेनिंग दी जाती है उनको, और ये ट्रेनिंग के बाद अगर जिस अगस्त में हम लोग आर्मी की हमारी भर्ती है उस रैली में जो कैंडिडेट जाएंगे सिलेक्ट होंगे, मेडिकली और फिजिकली सिलेक्ट होंगे, इन कैंडिडेट के लिए रिटर्न टेस्ट के लिए हम लोग 15 दिन का और एक सेकंड पार्ट जो है वो ट्रेनिंग हम लोग उनको देंगे। और इसी तरह से गुजराती जो युवा है वो आर्मी में भर्ती हो और अपना गुजरात का नाम रोशन करें,
और देश की सेवा में समर्पित हो, इस तरह की सरकार की ये योजना है, तो हम इसे कहते हैं पूर्व तालीम सेवा। तो इसी तरह की हम गुजराती युवाओं के लिए तालीम का आयोजन किया है। सर, इसके सिवा भी बहुत सारी, मतलब रोजगार कचहरी से बहुत सारी तालीम की जॉब फेयर भी होते रहते हैं ऐसी। ये तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो गया कि ये जवानों के लिए स्पेशली हम जवान बनने के लिए ट्रेनिंग देते हैं, लेकिन और भी बहुत सारी प्रवृत्तियाँ करती है सरकार के द्वारा होती है, तो वो भी हमें बता दीजिए सर। हाँ, रोजगार दफ्तर से जैसे ये आर्मी की ट्रेनिंग के लिए आयोजन है, फिर साथ में रोजगार दफ्तर में ओपनली जॉब फेयर हम लोग किया करते हैं, और ये फ्रिक्वेंटली महीने में 4-5 जॉब फेयर हर एक डिस्ट्रिक्ट में होता है। पूरे गुजरात में सभी डिस्ट्रिक्ट में रोजगार भर्ती मेला का आयोजन किया जाता है, और इसमें हमें गुजरात में ये रोजगार भर्ती मेला जो है एक मॉडल की तरह पूरे भारतवर्ष में ये प्रचलित हुआ है, और पूरे भारतवर्ष में इस मॉडल को अपनाया गया है। इसमें हम लोग पहले एम्प्लॉयर जो है उन लोगों के पास से हम लोग वैकेंसी कलेक्ट करते हैं, और उसी क्वालिफिकेशन के मुताबिक एम्प्लॉयर की जो डिमांड है उसी मुताबिक हम लोग कैंडिडेट को जॉब फेयर के एक दिन हम लोग इनको इनवाइट करते हैं, और एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय यानी कैंडिडेट को हम लोग एक प्लेटफॉर्म पे इकट्ठा करते हैं, और उन लोगों को ओपनली सिलेक्शन करने का हम एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करते हैं। उसी तरह से जो कैंडिडेट नीडी पीपल है उन लोगों के लिए हम लोग ये जॉब फेयर और प्लेसमेंट के लिए रोजगार की का मौका हम उन लोगों को यहाँ रोजगार दफ्तर में दिया जाता है। जी, ये बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि सरकार के द्वारा अगर ये ऐसा जॉब फेयर किया जाए उसी से ही कैंडिडेट अगर मिलते हैं जो मतलब जॉब के लिए कैंडिडेट आते हैं, उनको कोई भी एक भी एक्स्ट्रा खर्च करना नहीं पड़ता है मेरे ख्याल से, क्योंकि ये सरकार की योजना है और सरकार कर रहे हैं। अगर प्राइवेट में आप जाओगे तो आपको जॉब के लिए पैसा देना पड़ेगा, तो ये बहुत ही अच्छा तरीका है। अगर जो भी लोग जॉब ढूंढ रहे हैं, जॉब करना चाहते हैं, तो ऐसे जो सरकार के द्वारा जो जॉब पे किया जाता है उनमें ज़रूर से पार्टिसिपेट करिए, आपको बहुत ही अच्छी तक मिलेगी। जी सर, और एक बात जुड़ना चाहूँगा, जो भी युवा जो भी क्वालिफिकेशन है वो हमारे यहाँ पे अपना नाम पंजीकृत करवा कर सकता है। रजिस्टर्ड नाम अगर है हमारे पास, हमारे रिकॉर्ड में उन लोगों का नाम है, तो हम लोगों को इनको इनवाइट करने में हमें काफ़ी सुविधा रहेगी। और साथ में हमारे यहाँ सूरत डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो सूरत डिस्ट्रिक्ट में हमारी ऑफिस जो है ये दो जगह पे है, एक नर्मदा बहुमाड़ी नानपुरा सूरत में है, 5th फ्लोर पे है, और दूसरा एक हमारा एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसमें सभी तरह की सुविधा प्लेसमेंट के लिए सभी तरह की सुविधा उपलब्ध हो, वैसा मॉडल कैरियर सेंटर हम मजूरा गेट ITI कैंपस में हमने अभी शुरू किया हुआ है, जिसे हम कहते हैं मॉडल कैरियर सेंटर। तो आप से सबको निवेदन है और सबको वेलकम है कि हमारी इस सुविधा का ज़्यादा से ज़्यादा प्रचार भी करें और हमारी सेवा का लाभ भी लीजिए। नमस्कार, हम अभी मिलने जा रहे हैं नेशनल कैरियर सर्विस से मिस्टर प्रमोद जी। प्रमोद जी, आपका मैं स्वागत करती हूँ। और ये जो अभी कचहरी जो है, रोजगार कचहरी है, वो क्या सुविधा और पूरी पार्टी है उसके बारे में? नमस्कार मैम, सबसे पहले तो मैं रोजगार कचहरी की जो एक्टिविटी है उसके बारे में आपको बता देता हूँ। 20 जुलाई 2015 को हमारे देश के वर्तमान प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया था जिसका नाम था नेशनल कैरियर सर्विस। उस प्रोजेक्ट के अंतर्गत क्या किया उन्होंने कि जो रोजगार कचहरी है, पूरे इंडिया में 978 एम्प्लॉयमेंट ऑफिसेज थी, उनको कन्वर्ट किया करियर सेंटर में, और उसमें से इनिशियली 107 सेंटर को आइडेंटिफाई किया मॉडल करियर सेंटर के रूप में, जिसमें से एक हमारे यहाँ सूरत में रन कर रहा है। बसाव सर ने आपसे बताया कि ITI मजूरा गेट में मॉडल करियर सेंटर चल रहा है। तो मॉडल करियर सेंटर बनाने की ज़रूरत क्यों पड़ी? अर्लियर क्या होता था कि रोजगार कचहरी में केवल रजिस्ट्रेशन का काम होता था एंड वैकेंसी कलेक्शन होता था, कैंडिडेट्स को लेटर डिस्पैच किया जाता था, बट वो ट्रांसपेरेंट मैच नहीं हो पाता था, तो जिसके चलते स्किल गैप वाली प्रॉब्लम बहुत बढ़ी। उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए सरकार ने ये सेंटर बनाया जहाँ पर अपार्ट फ्रॉम रजिस्ट्रेशन
सरकार की तरफ से हम लोग अपने ऑफिस में फ्री ऑफ कॉस्ट वो सर्विस प्रोवाइड करते हैं, असेसमेंट देन प्लानिंग के लिए गाइडेंस एंड सॉफ्ट स्किल ट्रेनिंग भी हम लोग प्रोवाइड करते हैं, इंटरव्यू टिप्स एंड गाइडेंस भी प्रोवाइड करते हैं एंड साथ ही साथ रिक्रूटमेंट ड्राइव। रिक्रूटमेंट ड्राइव हमारा कंटिन्यूस एक्टिविटी है जो हमारे प्रमेश में चलता रहता है। तो अल्टीमेटली जो एम्प्लॉयमेंट का जो ऑब्जेक्टिव है उसकी पूरी जितनी भी सर्विसेज होती हैं वो स्टार्टिंग से लेके एंड तक पूरी सर्विस हम एक ही प्रमेश में अपने सेंटर में प्रोवाइड करते हैं। ये जो सेंटर की आपने बात बताई वो सिर्फ सूरत के लिए है या पूरे गुजरात के लिए है या पूरे वर्ल्ड के लिए? जो मैंने बताया ना 978 एम्प्लॉयमेंट ऑफिसेज पूरे इंडिया में थे जिसमें से 107 सेक्टर को आइडेंटिफाई किया मॉडल करियर सेंटर में। गुजरात में सूरत के अलावा 5 और लोकेशंस पे मॉडल करियर सेंटर चल रहा है जिसमें वडोदरा, आनंद, भावनगर, मेहसाना और राजकोट, ये 6 लोकेशंस पे मॉडल करियर सेंटर चल रहा है। गुजरात के अलावा पूरे इंडिया में भी अलग अलग लोकेशन पे 107 जगह चल रहे हैं। एक्चुअली क्या है कि जो प्रोजेक्ट जो लॉन्च हुआ था उसके लिए भारत सरकार ने 100 करोड़ का फंड जो है वो एलोकेट किया था, तो उसका फिजिबिलिटी चेक करने के लिए इसीलिए 107 सेंटर बनाए गए। अभी फिर सरकार ने गवर्नमेंट ने जो है डिसाइड किया है कि 100 मॉडल करियर सेंटर और बनाए जाएंगे। जी, तो ये जो मॉडल करियर सेंटर है उसमें क्या क्या एक्टिविटीज़ होती है? मतलब जॉब फेयर तो मेरे ख्याल से होती है, उसके अलावा अगर जो जॉब फेयर भी होता है तो सूरत के अलावा कहाँ कहाँ होता है? उसके लिए जॉब फेयर जो है वो तो हमारा एम्प्लॉयमेंट की जो ऑब्जेक्टिव है उसको फुलफिल करने के लिए है, बट कैंडिडेट को एम्प्लॉयबल बनाने के लिए जो उसके पहले की प्रोसेस है जैसे कि मैंने पहले ही आपको बताया हम लोग अवेयरनेस प्रोग्राम भी करते हैं जिसमें वर्कशॉप्स वगैरह आ जाता है, सेमिनार आ गया, सॉफ्ट स्किल ट्रेनिंग भी होती है ना, तो वो सारी एक्टिविटी भी करते हैं हम लोग। तो कैंडिडेट्स को जो स्किल एंड जॉब्स इन डिमांड गाइडेंस जिसको हम बोल सकते हैं, मार्केट में किस तरह के जॉब डिमांड में है से रिलेटेड गाइडेंस देते हैं कैंडिडेट्स को। और एक डिजिटल, सर ने पहले बताया ना कि हम लोग कैंडिडेट और एम्प्लॉयर को एक प्लेटफॉर्म पर प्रोवाइड करते हैं, बट अंडर नेशनल करियर सर्विस प्रोजेक्ट वी प्रोवाइड अ डिजिटल प्लेटफॉर्म। जो नेशनल करियर सर्विस प्रोजेक्ट है उसके नाम से एक पोर्टल भी लॉन्च किया गया, नेशनल करियर सर्विस पोर्टल जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का इनिशिएटिव है। उस पोर्टल पर एम्प्लॉयमेंट जैसे कि सारे स्टेक होल्डर को एक कॉमन वर्चुअल प्लेटफॉर्म पे लाया गया है। बट यहाँ पे जो रजिस्ट्रेशन करना होता है वो ऑनलाइन करना होता है? ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन होता है और टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट है। अगर हम जॉब पोर्टल की बात करते हैं तो और भी दूसरे पोर्टल्स हैं बट वो सभी पेड सर्विस है, नेशनल करियर सर्विस जो है वो फ्री की सर्विस प्रोवाइड करता है। बहुत ही अच्छी बात है फ्रेंड्स, अगर आप जॉब करना चाहते हैं या तो अपना करियर बनाना चाहते हैं वो भी बिना एक भी रुपया खर्च करके बिना आप कर सकते हैं, एक भी रुपये का एक्स्ट्रा खर्च आपको नहीं करना है। इतनी अच्छी सुविधा सरकार ने दी हुई है तो क्यों ना उसका लाभ लें, क्योंकि आजकल जॉब की बहुत प्रॉब्लम हो रही है, जॉब नहीं मिल रही है और लोग इधर उधर भाग रहे हैं जॉब के लिए। तो ये बहुत ही अच्छा आपको प्लेटफॉर्म मिल रहा है और बहुत अच्छी जॉब मिल रही है, तो वो ज़रूर से इसे आप फॉलो करिए और अपना अच्छा करियर बनाइए। एक पॉइंट और ऐड करना चाहूँगा मैं, जो नेशनल करियर सर्विस पोर्टल है उसमें यूनिक फीचर है जो कोई सर्विस प्रोवाइड करता है। क्या है कि हम सब लोग जानते हैं कि जो बड़ी सिटीज है जैसे सूरत में ही आप देखिए मॉर्निंग के टाइम पे हर एक नुक्कड़ पे बहुत सारे जो मजदूर हैं वो लोग खड़े रहते हैं, किस लिए? कोई आके उनको काम दे और लेकर जाए। तो सरकार ने इस पोर्टल के जरिए उनको भी कंसिडर किया है, नेशनल करियर सर्विस पोर्टल उनको ये फैसिलिटी प्रोवाइड करता है कि वो अपना रजिस्ट्रेशन कराए और पोर्टल के ही थ्रू, फॉर एग्जाम्पल जैसे मुझे ड्राइवर की जरूरत है, NCS पोर्टल के थ्रू अपने लोकेशन में ड्राइवर को सर्च करके घर पे बुला सकता हूँ और उनकी सर्विस अवेल कर सकता हूँ। ऐसे ही जितने भी लोग चाहे पेंटर हो, प्लम्बर हो, इन सबको उन्होंने रखा हुआ है पोर्टल नेशनल करियर सर्विस पोर्टल के अंदर। तो कहने का मतलब ये है काफ़ी वाइड प्लेटफॉर्म है बट बहुत ही बढ़िया। अभी क्या है कि 3 साल ही हुआ है पोर्टल को लॉन्च हुए, गवर्नमेंट का पूरा विजन भी है इसकी चीज़ें एंड और भी बहुत सारे फीचर्स हैं जिसको अगर हम बात करेंगे तो काफ़ी लंबा डिस्कशन हो सकता है, तो कम समय में बस इतना ही होता। बहुत ही बढ़िया, लेकिन कम समय में आपने बहुत ही अच्छी जानकारी दी, क्योंकि ऐसी जो इन्फॉर्मेशन है बहुत लोगों को पता नहीं होती है, बट हमारे चैनल के माध्यम के द्वारा सबको ये पता चले और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका बेनिफिट ले और अपना कैरियर बनाए, ऐसी शुभकामनाएं। और फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।